कैसे मास्क लगाना है, बचना है आपको कोरोना से, और साथ में एक साबुन भी। तो यह बता रहे हैं कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, छोटी बच्ची है, उसको मास्क अभी तेज प्रताप यादव लगा रहे हैं और इनके साथ और दीजिए ना। बिहार में कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए आरजेडी के विधायक तेज प्रताप यादव भी मैदान में उतर गए हैं। तेज प्रताप यादव ने आज अपने चुनावी अभियान पर निकलने के दौरान स्लम में पहुंचकर गरीब परिवारों के बीच मास्क बांटी है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए सभी को पहल करनी होगी। दरअसल तेज प्रताप यादव आज वैशाली के जंदाहा में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। तेज प्रताप यादव अपने स्टैंड रोड स्थित आवास से निकले तो सबसे पहले असलम में पहुंच गए। तेज प्रताप ने वहां गरीबों के बच्चों को गोद में भी उठाया और सबके बीच मास्क और साबुन बांटा। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार सरकार बिल्कुल नाकाम है। कोरोना वायरस को लेकर बिहार सरकार के तरफ से ना ही कोई व्यवस्था है और ना ही कोई जागरूकता अभियान है। प्रताप जी, इस समय आप मास्क बांट रहे हैं लोगों में, किस लिए बांट रहे हैं? मास्क बांट रहे हैं कि कोरोना वायरस जिस तरीके जो फैला हुआ है, जो जिसमें और इससे बहुत लोग प्रभावित ही हो गए हैं। बहुत सारे लोग चाइना से जो चल के आया है जो बीमारी, इससे लोगों का जो मृत्यु हो रहा है जिस तरीके का, तो यहाँ पे सरकार जो है इसको कोरोना को लेकर के पूरे तरीके से जागरूक तो नहीं हो रही है, ना अस्पतालों में किसी तरीके का कोई व्यवस्था हो रहा है, ना जागरूकता अभियान चल रहा है, ना मेडिकल कैंप लग रहा है। सब जगह जितनी भी बस्ती है सब जगह मेडिकल कैंप लगना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। पहले से हम अलर्ट हो जाएंगे तो इस तरीके का बीमारी से आदमी दूर रहेगा, बचा रहेगा। मंगल पांडे भी स्वास्थ्य मंत्री हैं और आप भी पहले स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। मंगल पांडे तो उनको तो बाहर का प्रभारी उनको नियुक्त किया गया है ना, वो तो बाहर रह रहे हैं, उनका बिहार से क्या मतलब है या और जगह से क्या मतलब, वो तो ऑल टाइम बाहर रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग तो इसी तरीके से कोमा में जा चुका है, किसी तरीके अस्पताल में किसी भी तरीके का कोई व्यवस्था नहीं है, ना दवा है, ना डॉक्टर है, ना कुछ है, मरीज बेहाल है पूरे तरीके से बेड पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।